नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो ने शनिवार को सूर्य की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन भेजा है। आदित्य L1 नाम का यह मिशन सुबह 11:50 पर PSLV-C57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है। रॉकेट आदित्य L1 को 235x 19,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ेगा। इसमें 63:19 का समय लगेगा। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत जो है वो बहुत कम है, जी हाँ, 378 करोड़ रुपये। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 125 दिन यानी कि लगभग 4 महीने लगेंगे। ये 125 दिन 3 जनवरी 2024 को पूरे होंगे। अगर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 पर पहुंच गया तो नए साल में इसरो के नाम ये बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अब लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतावली फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे में 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। पहला लॉग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और आदित्यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। अब सोचिए कि क्या दिमाग लगाया गया है, मतलब शानदार दिमाग। अब इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी आसानी से नजर रखी जा सकेगी और आदित्ययान की वजह से संभव पाएगा। और आदित्ययान L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर रहकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। यह लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर की कक्षा फोटोस्फियर क्रोमोस्फियर के अलावा सबसे बाहरी परत कोरोना की अलग अलग वेव बैंड से 7 इक्विपमेंट के जरिए टेस्टिंग करेगा। अब आदित्य L1 के 7 इक्विपमेंट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज की विशेषताओं, पार्टिकल्स के मूवमेंट और स्पेस वेदर को समझने के लिए जानकारी देंगे। आदित्य L1 सोलर कोरोना और उसके हीटिंग मैकेनिज्म की स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन के साथ भेजे जाने वाले पेलोड यानी इक्विपमेंट के नाम है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, इसको VELC भी कहते हैं। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट फॉर्म है PAPA, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर पेलोड, विजुअल एमिशन लाइफ कोरोनाग्राफ इक्विपमेंट, सोलर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन डायनोमिक का अध्ययन करेगा, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इक्विपमेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ के करीब सोलर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा और सोलर इरेडियंस सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली लाइट एनर्जी में बदलाव का अध्ययन करेगा। आदित्य सोलर विंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य इक्विपमेंट, सोलर विंड यानी कि सूर्य के चारों ओर उठने वाली जो सौर आंधी है और एनर्जी पार्टिकल की स्टडी, मतलब दोनों का स्टडी कर पाएगा। ये पोलेट इन पार्टिकल्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी अध्ययन कर सकेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो है और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विस्तृत एक्सरे एनर्जीज रेंज से सूर्य के एक्सरे फ्लेयर्स की स्टडी कर पाएगा। मैग्नेटोमीटर इक्विपमेंट L1 पॉइंट पर ग्रहों के बीच की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी आराम से कर लेगा। और इसी योजना के साथ
ये सारी चीजें साथ में भेजी गई हैं। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है, यानी कि मेक इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किया है। सूर्य की स्टडी क्यों जरूरी है और क्यों हमें बार बार इस ऐसे प्रोजेक्ट करने पड़ रहे हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। ये सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है, उसका केंद्र सूर्य है। सभी 8 ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं, ये सब हम लोग बचपन में पढ़े हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है, सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है, इन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अब चूंकि सूरज इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाए, ये इतना गर्म है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से निकली ऊर्जा भी फीकी पड़ जाए। अब अंदाजा लगाइएगा, सूरज 460 करोड़ साल का हो चुका है, इसके आगे 1000 करोड़ साल तक बने रहने की संभावना है। अब ऐसे में सूर्य की स्टडी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है अब आप समझ सकते हैं। और चंद्रयान 3 की जो मतलब कि कामयाब लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हुई इसरो की वजह से, इसको अभी तक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि यह हमारा जो सूर्य मिशन है वह भी सफल होगा। नए साल में हम लोग यानी कि हमारा इसरो नई कामयाबी, नई कीर्तिमान पूरे विश्व पटल पर स्थापित करेगा और पूरे ब्रह्मांड में एक नया इतिहास रचेगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।